सांखला कुल्फी चार नग रेगुलर 100 रूपए, सांखला कुल्फी चार नग स्मॉल 50 रूपए, शुगर फ्री कुल्फी 34 रूपए, सांखला आइसक्रीम कप 20 रूपए, वनीला पार्टी पैक 700 ml 60 रूपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 700 ml 80 रूपए, वनीला पार्टी पैक 1250 ml 110 रूपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 1200 ml 120 रूपए, ओरियो पार्टी पैक 1000 ml 150 रूपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 4 लीटर 380 रूपए, वनीला पार्टी पैक 4 लीटर 300 रूपए। सांखला कुल्फी में और भी बहुत कुछ कूल, अन्य स्वादिष्ट फ्लेवर में भी बहुत कुछ उपलब्ध। ऑफर स्टॉक की उपलब्धता पर मेन काउंटर सांखला कुल्फी रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन रोड बीकानेर, कॉन्टैक्ट 8279210642। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, वी सिंथेसाइज योर ड्रीम्स। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, द ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बीकानेर, उत्तर पश्चिम राजस्थान का लार्जेस्ट फैकल्टी टीम वाला एकमात्र संस्थान, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ST इन एम्स 2017 एंड नीट 2016, ICAR 2014 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ओवरऑल, नीट AIPMT RPMT में अब तक 1603 सिलेक्शन, एम्स में 125 सिलेक्शन, NIT और IIT में 87 सिलेक्शन, दो बार RPAT में पूरे राजस्थान में पहली रैंक और 3 बार RPVT में फर्स्ट रैंक। कम एंड विजिट सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम्स, जहां होंगे रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लॉन्ग ईयर लेवल टेस्ट सीरीज फॉर एम्स, नीट, IIT, JEE। इसके साथ ही 80% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सिंह जी स्कॉलरशिप। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ज्ञान टावर नियर शिवबाड़ी सर्कल, ओल्ड शिवबाड़ी रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 0151220 6735, 8003094891 और 92 और 93। वेबसाइट www.synthesis.ac.in। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग, न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिनभर की खास सुर्खियों पर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर में की जन सुनवाई। जनता की काम नहीं करने वाले विभागों पर अब कसेंगे शिकंजा, ये कहना है डॉक्टर बी.डी. कल्ला का। बी.डी. कल्ला का कई संस्थाओं के द्वारा किया गया सम्मान और अभिनंदन। जेल में बंद कैदी सोनू संधा ने वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हेमंत सोनी को दी फिरौती की धमकी। चैन स्नैचिंग के असफल आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को जिला उद्योग संघ कार्यालय में होगा रक्तदान का आयोजन। सीओ सदर पर लगे गंभीर आरोप और लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोगी में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर में जनसुनवाई के दौरान जनता ने निगम, न्यास, PBM सहित कई विभागों पर काम नहीं करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि न तो निगम काम कर रही है, न निकास भी काम कर रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल PBM भी अव्यवस्थाओं का शिकार है। कुल मिलाकर के महासचिव भी अपनी शिकायत को लेकर के बी.डी. कल्ला के पास में पहुंचे। आइए हम आपको दिखाते हैं वो नजारा जहां डॉक्टर बी.डी. कल्ला के सामने जनता की अनेक समस्याओं का अंबार लगा। Thank you.
डॉक्टर बी डी कल्ला ने जनता की समस्याओं को सुनने के पश्चात हमारे प्रतिनिधि से बातचीत की। बातचीत के दौरान बी डी कल्ला ने कहा कि वे किसी भी विभाग की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को वे बाकायदा निर्देशित करेंगे कि जनता की समस्याओं को त्वरित गति से सुलझाएं। आइए देखें क्या कुछ कहना है डॉक्टर बी डी कल्ला। सरकार यहाँ पर प्राइवेट बिजली कंपनी को यहाँ सारा 20 साल का ठेका दे गई, उनकी बहुत शिकायतें आ रही है, मैं उनकी समीक्षा कर रहा हूँ और आपके सामने मैंने उनको फ़ोन करके कहा इसको रिव्यू करें, यदि वो लोग रिव्यू नहीं करेंगे तो मुझे कोई और काम स्टेप उठाना पड़ेगा। सर आदले का कुछ है क्या? जो 20 साल का कोई पुरानी सरकार ठेका दे गई है उसको कोई गलती पकड़ गई तो ठीक कर सकते हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर बी डी कल्ला का कई संस्थाओं के द्वारा सम्मान और अभिनंदन भी किया गया जिनमें हैदर मिर्जा बेग भी शामिल रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर बी डी कल्ला के सम्मान और अभिनंदन के कुछ संपादित अंश। बीकानेर कारागार में बंद कैदी सोनू संधा ने वीडियो कॉल के जरिए व्हाट्सएप कॉल के जरिए रानी बाजार पुल के पास में रहने वाले एक व्यक्ति हेमंत सोनी से फिरौती की मांग कर डाली। अब ये तफ्तीश का विषय है कि कारागार में कैदी के पास में ये मोबाइल कहां से आया, उस मोबाइल की भी जांच की जा रही है। कोटगेट के थानाधिकारी धर्म पूनिया से भी हमने बातचीत की। हालांकि पुलिस में गिरफ्त आने के बाद और कारागार में बंद इस कैदी के पास में ये मोबाइल कहां से आया और किस तरह से उसने फिरौती की मांग वीडियो कॉल के जरिए जो है वह उस फरियादी से की और ये सारी बातें जब सामने आई तो हमने पूरी इस प्रकरण को लेकर के बातचीत की कोटगेट के थानाधिकारी धर्म पूनिया से। आइए देखें क्या कुछ कहना है धर्म पूनिया का। ये हेमंत सोनी ने 29 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था कि जेल से वीडियो कॉल व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके इससे फिरौती मांगी गई है, जिस आधार पर अनुसंधान करके दो लोकल लोग नामजद हुए हैं और इसके अलावा एक जो मुख्य सरगना है वो सोनू संधा है जो इस लोकल लोगों के साथ गैंग बनाकर फिरौती मांग रहा था, जिसे हमें जेल से प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त किया है। आज इसका रिमांड लेंगे, रिमांड लेके और जिस मोबाइल से इसने कॉल किया वो मोबाइल बरामद करेंगे और सिम बरामद करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर क्या ये कोई सूखा गैंग से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये सूखा गैंग का मेंबर रहा है और इसके चार मुकदमे ऐसे हैं जिसमें सुखविंदर सिंह उर्फ सूखा के साथ इसका चलान हुआ। सर बीकानेर में इसने कई वारदातों को भी अंजाम दिया है जिसमें केम रोड पर वो उसको लेकर इसका बीकानेर के तीन मुकदमे हैं जैसे चंपाराम ज्वेलर्स लूट प्रकरण और 307 का गवर्नमेंट प्रेस का फायरिंग प्रकरण और एक अन्य प्रकरण जिसमें ये वांटेड रहा है और गिरफ्तार भी हुआ है। सर कोई पता चला अनुसंधान में कौन व्यक्ति था जिसने कार पर फायरिंग करवाई थी, कौन कौन लिप्त है, क्या कैसे गैंग बना रहा था? ये कार पर फायरिंग नहीं हुई थी, कार के डंडे से शीशे तोड़े थे, वो व्यक्ति लगभग नामजद है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है सर, ये इसको कहाँ से आपने गिरफ्तार किया है, वारंट पर लिया है? इसको जरिए प्रोडक्शन वारंट हमने सेंट्रल जेल बीकानेर से लिया है, 10 नंबर बेरिक से। ठीक। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में लगे फार्मासिस्टों ने आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर के और प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा में काम करने वाले तमाम फार्मासिस्टों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर के आज उनका ये प्रदर्शन रहा। दिखाते हैं उनके प्रदर्शन के संपादित अंश। क्या कुछ मांगे हैं फार्मासिस्टों की, हमने बातचीत की यहाँ प्रदर्शन करने वाले फार्मासिस्टों से। मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कार्यरत राजस्थान फार्मासिस्ट संवर्ग के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय की उम्मीद है और उसमें हम अपनी जायज मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन कर रहे हैं। हमारा जो है मांगों का ज्ञापन कलेक्टर श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है और इसमें हमारी मांगे यही है कि हमारा कैडर सज्जित किया जाए, हमारी वेतन विसंगति है उसके ऊपर सरकार सकारात्मक विचार करे और साथ ही साथ हमारे जितने भी भत्ते हैं हार्ड ड्यूटी अलाउंस मेस अलाउंस और जो भी चीज़ें हैं हमारी जायज मांगे जो नर्सिंग कैडर के बराबर जो हमें देनी चाहिए थी वो देवें और 3600 जो हमारा कैडर है उसको 4200 करके लेवल 11 को 10 में करा जाए ताकि क्या है कि फार्मासिस्टों के अंदर जो कार्य के प्रति जो आज निराशा की भावना है वो उत्साह में बदले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। प्रवेश प्रारंभ
बीकानेर पब्लिक स्कूल BPS CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित DG बोर्ड से पढ़ाई करवाने वाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां होता है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास। BPS, जहां शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन पर दिया जाता है विशेष ध्यान। सर्व सुविधाओं से युक्त बीकानेर का पहला वातानुकूलित स्कूल, शहर के हर कोने से बच्चों को लाने ले जाने की माकूल व्यवस्था, खेल कूद की सभी सुविधाएं, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं। तो आज ही आएं और अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। बीकानेर पब्लिक स्कूल, कम फीस में बेहतर शिक्षा। तो आएं बीकानेर पब्लिक स्कूल, बी ब्लॉक करनी नगर, लालगढ़, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413730794, 0151253-0794। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, जसूसर गेट के अंदर, SBI बैंक के सामने, बीकानेर। चाट बाजार, जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे आपके लिए। लजीज फास्ट फूड, जूस, नाश्ता, ब्रेकफास्ट और भी बहुत कुछ। चाट बाजार, जसूसर गेट। चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, देसी फूड, कई तरह के स्वादिष्ट पराठे, नाश्ता, फ्रेश जूस, रियल जूस। चाट बाजार, जसूसर गेट। ठंडा ठंडा कूल कूल बर्फ कोला, आइसक्रीम की ढेरों वैरायटी। चाट बाजार, पैकिंग चिप्स, केक, स्पेशल मद्रासी कुल्फी, स्लाइस मसाला डोसा। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, ड्रीम ऑफर के साथ विशेष छूट भी आपके लिए, परिवार के लिए। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, अपनों के लिए अपनों जैसा। जसूसर गेट, SBI बैंक के सामने, बीकानेर। SDP मेमोरियल स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कवर्ड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, अट्रैक्टिव एंड एनहांस्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैब्स, डांस एंड म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम विद अ ग्रेट अकोमोडेशन, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक टीचिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेशन ब्रेन एक्सरसाइज एंड स्मॉल ग्रुप अप्रोच, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एक्सलेंट एकेडमिक अचीवमेंट, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1, स्ट्रेस फ्री, बायस एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर, एम्फेसिस ऑन प्ले वे मेथड्स फॉर प्री स्कूल, LKG, UKG एंड ग्रेड 1, एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th, SDP मेमोरियल स्कूल, श्री द्वारकापुरी, इनसाइड जसूसर गेट, बीकानेर। न्यू कैंपस, सेक्टर 3, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर। मोबाइल 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर के बागनी मोहल्ले में पिछले दिनों एक महिला के चैन स्नैचिंग की असफल वारदात करने वाले युवकों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी यह असफल कोशिश रही, लेकिन CCTV कैमरे में उनको कैद कर दिया गया था और उसी के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद हमने सीधी कोतवाली थाने में काम करने वाले इस कांस्टेबल से की बातचीत। हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र में 27/6/19 को महिला के साथ चैन छीनने की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल द्वारा दो व्यक्तियों ने उसके सामने से आके उनके चैन छीनने की प्रयास किया। इनकी जो घटना है ये CCTV कैमरे में वहाँ कैद हुई, उसकी फुटेज ज़्यादा है, पर पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान किया और दौरान अनुसंधान और एक तो गुजरों का मोहल्ला निवासी असगर अली और दूसरा आदर्श स्कूल गढ़सीसर रोड निवासी भट कुमार को गिरफ्तार किया और जिस बार बाद 35 व पूछताछ के गिरफ्तार कर अध्यक्षी। डॉक्टर्स डे पर आने वाली 6 जुलाई को रानी बाजार स्थित जिला उद्योग संघ भवन परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा जाएगा। इस बाबत हमने बातचीत की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अबरार पमार से। जी, जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करता है।
चूँकि हमारी संस्था IMA सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, इस वर्ष भी हम 6 तारीख को शनिवार को जिला उद्योग केंद्र का जो इनका रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में है और जिला उद्योग केंद्र के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसमें कौन कौन सहयोगी है? जी, मुख्य रूप से हमारे सहयोगी रोटरी क्लब बीकानेर मरुद्रा एवं जिला उद्योग केंद्र संघ जो है बीकानेर का, वो मुख्य सहयोगी हैं। उसके अलावा अन्य संस्थाएं जो हमारा सहयोग कर रही है उसमें बीकानेर प्रेस क्लब, लॉयंस क्लब जिसकी लॉयंस क्लब उड़ान है, लॉयंस क्लब यूनिवर्सल है, एक लॉयनेस क्लब है। इसके अलावा अखिल राजस्थान राज्य सेवा चिकित्सक संघ भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भारत विकास परिषद की तीनों शाखाएँ, मुख्य शाखा, मीरा शाखा, नगर इकाई, और इसके अलावा भी जो हमारे अन्य जो कई स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं वो हमें पूरा सहयोग करते हैं प्रतिवर्ष। इस वर्ष भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा इस पुनीत कार्य में सहयोग करेंगे। जैसी प्रतिवर्ष जो हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं उसमें लोग हमारे जो संस्थाएँ जो हमें सहयोग करती है वो भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट करती है। हमारे चिकित्सक स्वयं रक्तदान करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कम से कम 100 यूनिट हम रक्त कम से कम वितरित करेंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। 2 वर्ष पूर्व हमने 193 किया था, सैटेलाइट हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन था, पिछले वर्ष से 105 हुआ था। कम से कम हमारे 100 यूनिट रक्त को हम वितरित करेंगे ताकि, जैसा कि आपको मालूम है, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति एक यूनिट ब्लड देता है तो 3 जनों की वो जान बचा सकता है। चूँकि रक्त आपको मालूम है मानव शरीर में निर्मित होता है, पेड़ों पर उगता नहीं है, तो हमें खुद को स्वयं प्रेरित होकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होता है ताकि लोगों की जान बचा सकें, इसीलिए रक्तदान को महादान। उदा सर, आर्मी गेट के पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने CEO सदर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बात के भी आरोप लगाए कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की FIR जो है वह लिखवाने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर आरोपियों के साथ में जबरदस्ती राजीनामा कराने की बात का दबाव दिया गया, लिहाजा इस व्यक्ति ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर के और उनके साथ में किए गए दुर्व्यवहार की जानकारी दी। यहाँ पर वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर भी बैठे हैं। इस पीड़िता से भी हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। CEO साहब से ना जांच पड़ताल जो की वो अभी तक नहीं की है, और कल है ना हम उनके पास गए थे, उन्होंने बुलाया था, हम गए थे तो उन्होंने मुझे भूख लग गई थी, उन्होंने कहा कि वो आया हुआ था हिम्मतनाथ वहाँ आया हुआ था, उसने ना कहा कि पैसे ले लो, राजीनामा कर लो। CEO सदन ने भी यही कहा था, वो ऑफिस में बैठ के बात की थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि पैसे ले लो और राजीनामा कर लो। तो पापा ने कहा मैं पैसे नहीं चाहिए, मैं ना इंसाफ चाहिए। और फिर CEO सदर वहाँ से मैं उन्होंने कहा था कि आप चले जाओ, हम चले गए थे तो मैं नाश्ता कर रही थी और पापा को चक्कर आ गया था। चक्कर आने के पश्चात मैंने पापा को ना PPM हॉस्पिटल से दिखवाया था तो हमें ना गांधी पार्क बैठे थे, गांधी पार्क में वो है ना पुलिस वाले आए थे और वो हम दोनों को ना उठा के ले गए थे और थाने में मारपीट करने के बावजूद उन्होंने बाल भी खींचे थे मेरे, अभी तक दर्द भी हो रहा है, और पापा को भी मारपीट की थी। CEO सदर खुद सामने खड़ा था, भोजराज सिंह मारपीट की थी और हमें पेमा राम जी ने भी मारा था, मुझे मारा था, पापा को भी मारा था और 2-4 और है वहाँ के, उन्हीं के ही है। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोगी में आग लग गई। आग लगने के कारण हालांकि अभी तक मालूम नहीं चले हैं, लेकिन समय रहते दमकल वहां पर पहुंच गई थी और रेलवे के अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि किसी जानमाल की कोई नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हम आपको दिखाते हैं वो नज़ारा कि कैसे लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोगी में अपने आप आग लगी। We'll be right back.
मैं 12 बजे ड्यूटी से ऑफ होके सोने ही वाला था, तब बॉक्स पॉट रहे, उसने मेरे को मैसेज किया कि मतलब सामने मीटर गैस के डिब्बे खड़े हैं, उसके अंदर धुआं निकल रहा है, आग लगने की संभावना, धुआं निकल रहा है मतलब। तो जैसे गेट खोल के बाहर आए तब तो धुआं आकर रूप ले चुका था। तो मैं फिर मेरे इंचार्ज साहब मदन सिंह जिनको कॉल किया, फिर हमारे जीआरपी थाना है वहाँ भी सूचना की, और ऐसे में ऑफिस में गए, फिर वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बताया फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया गया, फायर ब्रिगेड आ रही है। फिर वहाँ से अग्निशमन यंत्र वो जो लेके हम यहाँ आए, मैं और आरपीएफ में राजकुमार जी हैं वो और सुरेंद्र जी वगैरह, हम यहाँ आए और अग्निशमन यंत्र से लेके आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफ़ी बड़ा रूप ले चुकी थी और अग्निशमन यंत्र है वो उसके सामने काम नहीं आए। कुछ समय बाद में फायर ब्रिगेड भी आ गई, उसने आग बुझाने का प्रयास किया और अभी तक जारी है बस करीब करीब सब पूरी। कौन सी गाड़ी है, क्या है ये? मतलब मीटर गेज के नाकारा कोच हैं जो यहाँ नीलामी के लिए खड़े हैं, मतलब ये इनकी यहाँ कटिंग वगैरह होती है, अभी ये इनकी नीलामी होने लगी मतलब बता सुना तो यहाँ खड़े हैं ये कंडम कोच है। मतलब मैं कांस्टेबल अनिल कुमार यहाँ लालगढ़ जीआरपी चौकी भी पोस्टेड हूँ। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खास खबरों पर। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर में की जनसुनवाई। जनता की काम नहीं करने वाले विभागों पर अब कसेंगे शिकंजा, ये कहना है डॉक्टर बी डी कल्ला का। बी डी कल्ला का कई संस्थाओं के द्वारा किया गया सम्मान और अभिनंदन। जेल में बंद कैदी सोनू संधा ने वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हेमंत सोनी को दी फिरौती की धमकी। चैन स्नैचिंग के असफल आरोपी आई पुलिस की गिरफ्त में। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को जिला उद्योग संघ कार्यालय में होगा रक्तदान का आयोजन। सीओ सदर पर लगे गंभीर आरोप और लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोगी में लगी आग। पर इससे पहले कि हम आपसे विदा ले, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।